अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमरान मुगल और आप देख रहे हैं सिटी 55। अपना शहर अपनी बात प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन, ईद उज़ुहा की आमद है और यहां पे बकरे, छतरे और बैल जो हैं वो गुजरांवाला की मुख्तलिफ मंडियों में आ चुके हैं। आइए बात करते हैं कि ये इस हवाले से कि कितने अपने ये महंगे हैं कि या आम रूटीन में इसको सेल किया जा रहा है। जी मेरे साथ ही लीजिएगा, आइए। हाँ जी नाज़रीन, देखिए कि हमारी यहाँ स्टार्टिंग में एक माशाल्लाह यहाँ पे नज़र आ रहा है पहलवानों के शहर में, पहलवानों जैसा जानवर। पूछते हैं कि इसकी क्या कीमत है, अभी तक ये सेल हुआ है कि नहीं हुआ। ये मेरे साथ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे आप? ठीक ठाक। आपका नाम क्या है? तारक। अच्छा ये बताएगा, माशाल्लाह तगड़ा और पहलवान नज़र आ रहा है। गुजरांवाला पहलवानों का शहर वैसे ही मशहूर है, तो माशाल्लाह उस तरह के जानवर भी नज़र आ रहे हैं। तो ये बताइए कि इसकी क्या कीमत है? इसकी 5 लाख। कितनी? 5 लाख। अभी तक कोई खरीदार आया जो इसने इसको? नहीं अजी, आई होने जी। जी अजी आंदे ही होने। अच्छा अभी 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 ले के आए? अजी ले के। किसी ने पूछा नहीं आपसे? नहीं अजी, एक दो ही पूछे। तो अब ये बताएं कि इस इतनी कीमत आखिर क्यों आपने लगाई? ये जो मालकान को पता होगा है, वो तो बात ठीक है, लेकिन इतनी पहुँच किसकी होगी जो इसको खरीदेगा? अब ये बताएं इतनी महंगाई के दौर में, ये जी उन्होंने भी पता इतनी गल कह सकते हैं? आप मुलाजम पकड़े आए हुए। ये बताएं कि सिर्फ इसका 5 लाख आपने रखा है, तो 5 लाख से कम नहीं होगा क्या? ये बाटा रेट ही है? नहीं जी, बाटा रेट फिर उनको रेट लगे थी गाल लेना, जिथे 12 खाता उतने। तो आप कब से यहाँ पे आए हैं? घड़ी मले। तो ये बताएंगे कितने इस वक्त कस्टमर आए हैं आपके पास, जो इसका कोई आपसे कोई इसका खरीदार आया हो जिसने कोई रेट लगाया हो? नहीं अजय, रेट नहीं लगाया किसी। अगर इसको आप देंगे तो कितने में देंगे? 4.5। 4.5 फाइनल होगा। हाँ जी नाज़रीन, जो हमें इस श्री 55 को देख रहा है, ये देखें भैंसा आप इतना खूबसूरत है कि वाकई इसका रेट जो है वो उस हिसाब से बहुत कम है। जो इसको देख रहे हैं वो आएँ श्री 55 को देखें, इस प्रोग्राम को देखें और इसको जो जिसका जिसने ये खरीदना ये उसको खरीद ले। मेरे साथ ही किसी और दूसरे दोस्त से भी बात करेंगे। आइए जी, आइए यहाँ पे देखते हैं कि जो लोग दूर दूर से जो व्यापारी आए हैं, कितने दिन उन्हें यहाँ पे क्या अखराज हैं उनके, उनसे भी पूछते हैं कि आखिरकार उनके क्या अखराज हैं, इतने दिन से वो यहाँ पे आए हैं तो उनको कोई बेनिफिट भी है कि या फिर वो खर्चा किए जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? ठीक ठाक। आपका नाम? आसिफ उज्जर जी। आसिफ, आसिफ साहब ये बताएं कि आप कब से यहाँ पे हैं? सर एक महीना हो गया। एक माह हो गया जी। एक माह। तो कितने जानवर लेके आए थे यहाँ? सर 24 जानवर। 24? 24 जी। तो कितने सेल हुए हैं? 10। नहीं ये क्या आखिर क्या बात है, ईद तो थोड़े दिन रह गए, अभी तक सेल क्यों नहीं इतनी? अरे ग्राहक पैसे नहीं दे रहा, महंगाई इतनी है, हर चीज़ महंगी है, खर्चे इन्हें बहुत फुड़ की दे, महीना हो गया खर्चे डंगर पैरने, जेड़ा आंदा वा 2 लाख वाली शायद 1 लाख रुपये ला दिता वा, की जी आखिर महंगी क्यों है? वो सर असी तेरे महंगे तो पीछे महंगाई ही नहीं है। नहीं वो तो सुनने में ये है कि दोस्तों का ये कहना कि आपने रेट बहुत रखा हुआ। सर हमने रेट खर्चे बहुत है। अच्छा क्या क्या खर्चा है आप? सर एक डंगर का 1.5 हज़ार रुपये खर्चा है। तूड़ी महंगी है 600 रुपये माना, चौकर 1400 रुपये का कटूआ, ठीक है ना, पट्ठा 400 रुपये माना, हर एक डंगर का 1000 रुपये का खर्चा पाजन डेली का। तो आप क्या समझते हैं कि सारे आपके जो अपना जानवर ये सेल हो जाएंगे? अच्छा नहीं सर, ये कुछ समझ नहीं आ रही, नुकसान हो रहा। नहीं गरीब आदमी कहता है कि हमारा भी दिल करता है कि कुर्बानी करें हम भी इस पर, तो आप कहते हैं हमारा नुकसान हो रहा है, उसकी जो कीमतें हैं वो आसमान को छू रही हैं, तो कैसे ये फिर खरीदा जाए? सर पिछले रकम भरी हुई गोश्त का रेट की है, 600 रुपये किलो गोश्त चल रहा भाई जान, किसानिया ने रेट डंगर पिछले महंगा मिले हुआ, असं घर तक को नहीं पालने वीर जी, डंगर महंगे है पिछले लाए हुए रेट को नहीं दे रहा, किसी को पता ही कोई नहीं, 1 लाख रुपये शहर 70 हज़ार रुपये का तोड़ जाता। नहीं 1 लाख रुपये का जो आपका जानवर है तो आप उसको डिस्काउंट करके कितने का देंगे? सर कम से कम 10 हज़ार नुकसान कर लेंगे, 5 कर लेंगे, ज़्यादा नहीं कर सकते, इस वापस आ जाएंगे, अच्छी गल ना, नुकसान तो नहीं करना ना भाई। जो सोच के आए थे क्या वो रिस्पॉन्स आपको मिल गया? नहीं मिल, कोई रेट नहीं मिल रहा डंगर, पूरा खर्चे नहीं कर रहे डंगर। अजी नाज़रीन, आपने इनकी बातें सुनी, आपको पता है कि ये व्यापारी है बहुत दूर से आए हैं और ये बड़ी उम्मीदें और इनसे वाबस्ता होती हैं, साल बाद ही आते हैं, लेकिन इनके कह रहे हैं हमारे खर्चा और अखराजात जो हैं, खर्चे अखराजात वो पूरे नहीं हो रहे, अगर ना सेल हुए तो हम वापस जाएंगे। मेरे साथ ही रहिएगा। अजी नाज़रीन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, कुछ खरीद आ रहे हैं, उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम सर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। सर आपका नाम? मौज़ूम तकी। अच्छा कैसे लग रहा है आपको सर यहाँ पे आए हैं जानवर खरीदने के लिए? आए तो हैं लेकिन महंगाई बहुत है।
तो कोशिश कर रहे हैं कि जानवर मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं एहसास हो रहा है कि नहीं मिलना, क्योंकि लास्ट टाइम जो जो जानवर जो लाख रुपए का था वो दो दो लाख रुपए का है। तो इसलिए गवर्नमेंट से वहाँ ख्वास था कि नोटिस लें इस बात का कीमतों का, वरना हम लोग कुर्बानी से महरूम रह जाएंगे। तो क्या समझ रहे सर इसमें क्या अपना इतने क्यों रखा गया इतने जो कीमत है जी, आपकी नज़र में क्यों रखी गई इतनी ज़्यादा कीमत? देखिए जी, हर चीज़ महंगी हो गई है, तो गवर्नमेंट की कोशिश तो है कि कंट्रोल कर लें, लेकिन माफिया जो है ना वो गवर्नमेंट के बस से बाहर है। सर लेकिन देखिए ना, पहले तो जानवर बाहर जाते थे, लेकिन अब वो भी उन्होंने स्टॉप कर दिया गवर्नमेंट। नहीं, अभी तो ये है ना कि लोग कह रहे हैं कि जी माल नहीं है पीछे, हमें तो ये भी सुनने को मिल रहा है कि माल नहीं है पीछे, इसलिए कीमतें बढ़ गई हैं। तो अब एक लेमैन को ना क्या पता है कि क्या क्या सच्चा क्या क्या झूठ है। आप ऐसे क्या गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहते हैं जी? अपनी कमेटियां जो हैं वो उनके ना प्रैक्टिस के लिए वो बाहर निकलें, और एक जो हम मंडी में आए सर्च करें कि लास्ट ईयर इनको क्या महसूस हो रहा है, तो वहाँ पर अपने बंदे बिठाएं ताकि एक लेमैन भी वहाँ पर जानवर ले सके। अच्छा सर, आप कब से यहाँ पे इस मंडी में विजिट कर रहे हैं? हमें 6-7 दिन हो गए हैं। 6-7 दिन में आपको कोई गवर्नमेंट का बंदा, कोई ऐसा बल्दिया का बंदा, कोई कंटोनमेंट बोर्ड का बंदा, कोई ऐसा बंदा यहाँ पे कोई नहीं मिला जी? नहीं, कोई नहीं मिला जी। क्यों हमें झूठ बोलने की क्या जरूरत है? कोई नहीं मिला जी। जी नाज़रीन, आपने खुद से देखा और आपने सुना भी, तो इंशाल्लाह देखें कोई ना कोई नुमाइंदा यहाँ पे होना चाहिए, गवर्नमेंट का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ खरीदो फरोख्त हो रही है, तो कोई ना कोई जो महकमे का बंदा है वो यहाँ पे मौजूद होना चाहिए, उसका एक कैंप होना चाहिए, हेल्थ का बंदा यहाँ पे होना चाहिए, मुख्तलिफ इदारों के बंदे यहाँ पे मौजूद होने चाहिए, लेकिन कोई भी नहीं। ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। मैं जी मेरे साथ ही लीजिएगा। अजी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त खरीदार मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आपका नाम? हसन सलीम। हसन साहब, ये बताइएगा कि आप यहाँ पे खरीदो फरोख्त करने के लिए खरीदने के लिए बकरे आए हैं, तो आपने अभी तक खरीदा क्यों? महंगा है बहुत रेट। क्यों? ये आप मांग रहे हैं जो था पिछले साल 50,000 उसका मांग रहे हैं 80,000 में। तो आखिर क्या समझते हैं आप? आखिर यही समझते हैं कि लेना तो है, लाजमी लेना है, इनशाला तो मुनासिब मिलेगा तो लेंगे इनशाला। तो आप ये बताएं कि आप कितने दिन हो गए आपको ये ढूंढते हो? मुझे मैं कल का ढूंढ रहा हूँ। जैसे एक ही जगह पे, एक ही मंडी पे? हाँ जी, एक में ये हमारे नज़दीक मंडी है, हम इधर से ही हैं, तो इधर से ढूंढेंगे इंशाल्लाह। तो वैसे आप क्या समझते हैं कितने में होना चाहिए जो नॉर्मल? इतनी नॉर्मल यही है कोई जो 50 का था पिछले साल वो 60 तक मिलना चाहिए। तो अभी आप यहाँ पे खड़े तो आपका रेट हुआ नहीं है? नहीं, अभी नहीं हुआ। तो वो कितना मांग रहे हैं आपसे? वो 80,000 रुपये। तो आप कितना कह रहे हैं? मैं 50। तो बीच वाली कोई बात नहीं चल रही? नहीं चल रही। आप सर एक मिनट, आप आ जा, एक मिनट। क्या नाम है आपका? आरफ अली। आरफ अली, ये सर बताइए कि जाहिर है कुछ दिन, थोड़े दिन रह गए हैं ईद को, ठीक है ना, तो आप ये बताएं कि ये रेट बाटा रेट है, इतना ही रहेगा? नहीं भाई, उम्मीद तेज होगा, अभी और तेज होगा जी, रेट ऊपर जाएगा? जाएगा भाई, 1400 रुपये किलो गोश्त है। अच्छा, जो 30 किलो का जानवर है 48,000-47,000 का तो गोश्त बन जाएगा। देखिए हर मुसलमान हर मोमन का यही है कि हम कुर्बानी करें। बिल्कुल ठीक है ना। तो आप ऐसा नहीं है कि चले मुंह मांगा तो आप बता ही रहे हैं, लेकिन उससे कोई कमी नहीं हो सकती? होएगी क्यों नहीं। देखिए जैसे ये भाई हमारे, इन्होंने कहा कि आप अपना 50 रख ले, तो आपने कहा 80, तो इसके बीच वाला कोई रास्ता नहीं निकल सकता? थोड़ा कम कर लें। फाइनल 80 बोल रहे हैं, मैं फाइनल 50 बोल रहा हूँ। फर्क तो है ना, 50,000 का तो भाई बच्चा मिलता है 6 महीने पालिए, फिर वे को 80 रुपये किलो कणक है, 90 रुपये किलो, तो किलो जानवर तो कणक खा जाता। देखिए ना, पूरे पाकिस्तान के मंडियों में जानवर बहुत सारा आ गया है। हाँ जी, इसने सेल ही होना है, बेशक ही होना है, ठीक है ना। तो आप क्या समझते हैं कि जाहिर है वो ये कीमत कम तो नीचे आएगी? ये तो कल पता लगेगा, जल्द दिन अल्लाह को पता है क्या हुआ। लेकिन अगर आपका आपस में कोई मिलता जुलता हो तो उसको फाइनल? वो मिल नहीं रहा। मैं फाइनल 50 बोल रहा हूँ, वो फाइनल 80 बोल रहे हैं। तो यार 5 कम दे, कितना? 5,000 कम कर रहे। तो मैंने ऊपर जाना नहीं, सही, मेरी कैपेसिटी 50 है। 50 है, फिर भी देख लें अगर कुछ हो सकता है तो। चलो देख लें भाई, जैसे कहेंगे फिर रहे हैं और देखते हैं, चेक करते हैं इंशाल्लाह, लेना तो है ही।
चलिए जी, हमने बड़ी कोशिश की कि इनका रेट बन जाए, लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा कि हो सकता है कल को रेट ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये रिस्क वाली बात नहीं होती, जो चीज़ आई है वो वापस ना जाए, वो सेल हो जाती है, ये भी बेहतर है। बिल्कुल जी नाज़रीन, ये इस वक्त हम मौजूद थे गुजरांवाला कैंट की मंडी में। इंशाल्लाह एक दूसरी जगह पे चलते हैं तो वहाँ पे क्या रेट्स हैं, क्या लोग वहाँ पे क्या अपना माइंड लेके बैठे हुए हैं। जी नाज़रीन देखिए, आपने जानवर भी यहाँ पे देखे, इतने खूबसूरत जानवर थे, इतने ज़बरदस्त जानवर थे देखने के लिए। और आप यकीन करें, इनके जो जब वो सेल होता है तो उसका हार और श्रृंगार के लिए भी यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाई गई हैं, ख़ास करके ये घंटी है जो ख़ास करके बैल के जो उसके गले में लटकाई जाती है। और ये कितने देखें, कितने खूबसूरत फूल हैं, और ये बहुत ज़बरदस्त इनकी वो अपना उसको सजाने के लिए, उसको उसकी और मज़ीद खूबसूरती बढ़ाने के लिए ये यहाँ पे ये रखे गए हैं, और स्पेशल इसका स्टॉल लगाया गया। हम कोशिश करेंगे इनके जो मालिक हैं उनसे बात करें। एक मिनट भाई जान, एक मिनट बात सुनिएगा, एक मिनट यहाँ पर आइएगा ज़रा। तो अब देखते हैं कि ये भी एक ज़ाहिर है, जब तक ये चीज़ ना हो तो ये भी एक मामला, एक मंडी अधूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या नाम है आपका? जी नवीद। अच्छा ये बताइएगा कि आप कब से ये अपना ये स्टॉल लगा के बैठे हैं? ये दो दिन तीन दिन हो गए हैं हमें, मंगल से लेकर लगाया। तो इसकी स्पेशल कोई आपने लेनी होती है इजाज़त, अप्रूवल लेती होती है, या जहाँ मंडी होती है वहाँ जाते हैं? हम ना भाई है वो मंडी भी जाता है। हाँ। तो वो ही करता है मंडियाँ भाई। तो ये सामान तैयार हुआ लेते हैं कि या खुद से तैयार करते हैं? नहीं तैयार हुआ लेते हैं, तैयार हुआ लेते हैं। तो कैसा रिस्पॉन्स आपका चल रहा है? जैसे कोई आएगा, जैसे कोई आएगा वैसे वैसे, लेकिन बहुत ज़्यादा गाह काटे को नहीं, एडा मार्जिन भी को नहीं है। मार्जिन नहीं है? हाँ जी। अगर आप ये किसी ने खरीदना हो या ये किसी ने बैल के लिए खरीदना हो, हाँ जी, तो ये आपने कितना, इसकी कीमत कितनी है? इसकी हम 1000 तक दे देते हैं। हाँ। ठीक है, तो फर्कों फर्की है, जो सेट भारा हो उसके लिए ज़्यादा रेट, जो घट हो घट रेट। जी नाज़रीन, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए यहाँ पे और अपना वो जानवर खरीदें। जैसे जानवर खरीदा जाता है इसी तरह उसके हार और श्रृंगार के लिए ये चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं, तो मेरे साथ ही रहिएगा। जी नाज़रीन, यहाँ पे देख सकते हैं माशाल्लाह इतना खूबसूरत बकरा आपको नज़र आ रहा है। तो आइए इनके जो मालिक हैं, जो इसको इस बकरे को लेके आए हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद यासीन। इतना खूबसूरत बकरा अभी तक सेल हुआ है कि वैसे अभी मंडी में लेके आए हैं? वैसे अभी आज पहले दिन लेके आए हैं। तो ये बताइएगा कि ये अपना खुद से इसको घर में अपना पाल रहे थे या क्या सिलसिला है इसका? बहुत सारे जानवर पाले थे लेकिन ये अभी लेके आए हैं, थोड़े दिन हुए हैं। इसकी कीमत क्या आपने तय की? 1,70,000। 1,70,000, 1,70,000 में तो वो अपना वो बैल आ जाता है, तो आपने एक बकरे को? ठीक है, गाय में नहीं ना देता, डायरेक्ट मांगने से। अच्छा अच्छा। हाँ तो 1,70,000 आपको क्या उम्मीद है कि इसका मिल जाएगा? नहीं, वैसे 1,40,000 का हम बेच के जाएंगे। लेकिन ये बताइए इतनी कीमतें क्यों? हर जगह महंगाई है, वैसे हमने भी 1,25,000 का लिया। अच्छा, आपने खरीद के उसके बाद फिर सेल करने आए? हाँ। कब खरीदा था आपने? तकरीबन 3 माह हो गया। 3 माह हो गया। तो आपने बस ये कुर्बानी के लिए नहीं लिया था? नहीं, और बहुत सारे जानवर हैं हमारे पास, 40-50 हैं, वो बेच दिए, सेल कर दिए। तो इसका ये डेली का इसका खर्चा क्या है सर? डेली का इसका बहुत ज़्यादा खर्चा है। क्या इसको खिला रहे हैं? इसको दूध, दही, उसके अलावा सूढ़ी तूड़ी चोखर और मक्खी का साइलेज और ऑस्ट्रेलियन अंडा। तो आपको कैसे पता चला कि ये चीज़ें जानवर को दी जाती हैं? पहले भी कभी आपने ये? तकरीबन 5-6 साल हो गए हैं जानवर हम छत के ऊपर पाल रहे हैं, दूसरी मंजिल के ऊपर। तो आप ये 1,70,000 का आपने 1,40,000 तक फाइनल करें? हाँ, 1,40,000 का। इसे को नाम शाम रखा आपने? नहीं, कोई नाम नहीं रखा। ना प्यार से बबलू डब्लू को? नहीं, हमने कोई नाम नहीं रखा। कोई नाम नहीं रखा? नहीं, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए था। वैसे आप ही रखते हैं। क्या सजेशन किया वैसे आपने नाम से? इतना खूबसूरत है तो क्या नाम रखेंगे? राजू। हाँ। ये अभी से डिसाइड किया है? हाँ। चलो जी, उम्मीद करते हैं कि इनका जो राजू है वो सेल हो जाए इनकी डिमांड के मुताबिक। तो ज़ाहिर देखेंगे, ये से तो वही ख़रीदेगा इस जानवर को, क्योंकि इसकी खूबसूरती देख के। तो अगर रेट 1,00,000-2,00,000 ये बात नहीं है, जानवर की अपनी खूबसूरती भी होती है। तो जी नाज़रीन, मेरे साथ ही रहिएगा, किसी दूसरी जगह पे चलते हैं। जी जी नाज़रीन, हम यहाँ पे मौजूद हैं शर्की रावली के करीब, जो यहाँ रेलवे स्टेशन है उनके पास मंडी लगी है बकरों की। तो आइए पूछते हैं कि इस वाले से कीमतें किस हिसाब से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या
क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाफिज मोहम्मद इमरान। हाफिज साहब, ये बताइएगा कि बकरे सेल हो रहे हैं? बहुत कम। क्यों, किसकी वजह क्या है? महंगाई बहुत ज़्यादा है। हाँ। देने वाला जो है वो कहता है कि चलो मुझे कुछ बचे, लेने वाला कह रहा है कि मुझे यानी सस्ता मिले। तो आप लेने के लिए हैं या बेचने के? बेचने के लिए हैं। तो एक आम रूटीन में जैसे कि देखें या ये आपने लगाए हुए हैं जी, तो आप ये बताएं कि इसका क्या रेट आपने रखा हुआ है? मैंने दोनों का 40-40 हज़ार रखा है। आप तो खरीदार क्या 40 में भी ले लेंगे? नहीं ले रहा। इसकी क्या वजह? इसकी वजह यह है कि वो मेरे ख्याल में ये सोच रहे हैं कि शायद कुछ लो पिछली दफ़ा, क्योंकि ईद बहुत हाई भी थी, इस दफ़ा लोगों का ख्याल है कि शायद ये हमारे दो रह गए, हम चाह रहे थे कि हम ये नहीं दे ले, वरना ये 50-50 हज़ार के हमने इतने बेचे हैं, ये दो रह गए। मैं कह रहा हूँ कि चलो बिक जाए तो चला जाऊँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप खरीदा रहे हैं या बेच रहे हैं? बेचने आते हैं। देखो मेरे बहुत तो कितने जानवर लेके आए थे यहाँ? 10। 10 जानवर, कितने सेल हो गए आपके? 2 है ना बस। 8 अभी वैसे के वैसे। हाँ जी। तो आप कीमतें कम क्यों नहीं कर रहे हैं? दो चार दिन तो रह गए इसमें। कम कैसे करते हैं आप? हम मुझे तो 55-55 हज़ार दे पेंदे ना, पर खर्चा इना को हो गया तो पहला पीछे लंबे ही महंगे हम। ये तो बिल्कुल करीब है, अगर ये सेल ना हो तो क्या करेंगे आप? बस वादा घाटा करके बेचने दे यार, कोई पैसे तो पूरे ना हो, कोई घाटा ही पै गया फिर। अच्छा भाई, बात सुने आप जरा बात सुने, आप ये बताएं कि आप खरीदने के लिए आए हैं जी? तो आपने खरीद लिया है? नहीं, अभी रेट ही बढ़ा 10 देने पे। तो क्या आप इनको कितने, आप कितने में, आप कहाँ तक पहुँच रहे? हमारे 40-45 तक पहुँच है। तो वो कह रहे हैं 40 में तो वो दे रहे हैं? किसका कौन सा रेट लगा रहे हैं? तो कह रहे हैं कि 40 नहीं, यार छोटे हैं अभी, इनकी बड़ी बड़ी भारे लाने ने। नहीं, आप क्या समझ गए 40 का ज़्यादा मांग रहे हैं? हाँ जी। कितना होना चाहिए इसका? होना है 30-35। 30-35। अच्छा साहब, ये कह रहे हैं 30-35 का अगर इसका हो जाए तो मुनासिब है, आप क्या कहते हैं? नहीं जी, ये मुझे पड़ता ही नहीं, मुझे 40 हज़ार का पड़ता है। मैंने कहा पहले मैंने बेच चुके हैं, मैंने 50-50 हज़ार के, 45-45 हज़ार के इस बेचे हैं, ये मेरे दो रह गए हैं। नहीं, इतना ज़्यादा इसका देखे ना, इतना डिफरेंस भी नहीं है, ये तो बिल्कुल मुनासिब है। बात करें आप करा दें। 35 और 40 आप मांग रहे हैं, अगर इस बीच में कोई आ हाँ, कर बीच में कर भाई जी। नहीं है ना, बहुत छोटा भी है नाले। हाँ। नाले रेट भी बड़ा दाग देने। नहीं कर ले 35 का इन्होंने कहा है। हाँ। तो आप आधा आधा कर ले। चलो मैं आपकी आपके चैनल के तवज्जो से बात कर लूँ। वैसे आप दो हमारे चैनल को बीच में ये ले आए हैं साहब, तो आप ये बताएं कि वो कहते 35 में अगर आप इसको, इन्होंने 35 का कहा, मैं कह रहा हूँ कि चलो आधा आधा कर लेते हैं। सौदा तो आपने सही बताया कि सौदा तो हो गया जी। भाई बताएं जी। नहीं अभी आपका माइंड नहीं बन रहा? नहीं यार, छोटा बहुत है। अच्छा अजी नाजी, यहाँ पे हमारे साथ देख सकते हैं नौजवान यहाँ पे खड़े हैं, जो कि यहाँ पे इस मंडी का जो विजिट कर रहे हैं, इनसे पूछते हैं कि कीमतों के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी मेरा नाम उमर फरूक चीमारी। अच्छा चीमा साहब, ये बताइए कि क्या आपने विजिट किया मंडियों का, मुख्तलिफ गुजरांवाला की, तो कीमतें किस हिसाब से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने बहुत जगहों पर वज़ीराबाद से लेकर रावली तक काफ़ी ज़्यादा मंडियों का विजिट किया है, और इस साल देखने में जो अभी आ रहा है तो कीमतें जानवरों की आसमान को छू रही हैं, आम आदमी की पहुँच से बहुत दूर है। ये कुर्बानी सुनते इब्राहिमी है, हर इंसान जिसने कलमा पढ़ा हुआ है, हर इंसान की कोशिश है कि मैं इस सुन्नत को पूरा करूं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक अभी तक आम आदमी की ये पहुंच से बालादार है। अच्छा ये बताएं कि आपने कोई जानवर खरीदा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा तलक जट बरादरी से है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद ही जानवर पालते हैं, तो अब हमारा तो जानवर अपना ही था, तो इस वजह से हमें इतना फील नहीं हुआ, लेकिन दोस्त अहबाब के साथ आए हैं उनके लिए कुर्बानी का जानवर ख़रीदने, तो मेरे अंदाज़े के मुताबिक जो आम जानवर है वो 40-45-50 के राउंड बोर्ड है, वो मेरे ख्याल में आम आदमी की पहुंच से ये भी दूर है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो कीमतें हैं ये नीचे आएंगी कि वो आसमान पे ही वो टिकी रहेंगी? अभी तक तो सूरत हाल यही है, हर बंदे की कोशिश है कि हम एक दो दिन पहले वेट तक करते हैं, शायद को नीचे आ जाएँ, लेकिन मेरे ख्याल से इस तरह की कोई ऐसी सूरत हाल अभी नज़र नहीं आ रही। जी आपने जैसे कि मेरे साथ चीमा साहब मौजूद थे, उन्होंने कहा था कि जो रेट्स हैं ना वो कोई ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही कि इसकी कीमतें जो कम हों, तो हर मोमेंट हर मुसलमान
का दिल तो यही है कि ईद कुर्बान पे कुर्बानी की जाए। इसी इंतज़ार में सब लोग बैठे हैं कि कब कीमतें कम होंगी और कब ये जानवर खरीद के ये सुन्नत इब्राहिमी को मुकम्मल सुन्नत की जाए। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जनाब आपका? ठीक ठाक सर, ठीक ठाक। आप ये बताइए, यहाँ मंडी में क्या कर रहे हैं? ये बकरे बेच रहे हैं। कितने बकरे हैं आपके? इस वक्त 5 बकरे हैं, 3-4 बेचे हैं, कुछ कल बेचे थे। तो क्या इसकी क्या क्या कीमत रखी है आपने? ये बकरा जो है इसका 60-65 हज़ार हम खरीद डिमांड करते हैं। गाय के इसका कोई 30 लगाता है, कोई 40, कोई 35 लगाता है। इतने महंगे क्यों बेच रहे हैं ये बताओ? पीछे जब हम खरीदने जाते हैं वो कहते हैं राशन बहुत महंगा है, खर्चे बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, अगर उधर से लेकर आए तो किराया भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। लेकिन वो गरीब आदमी है, उसका भी दिल है कि मैं भी कुर्बानी करूं। हम तो चाहते हैं ये इसका रेट कम हो, खरीद भी पीछे से कम होगा तो फिर आगे हम भी कम ही रेट देंगे। दो चार दिन रह गए। हाँ, आप क्या समझे अगर ना ये सेल हुए तो इसको क्या फिर करेंगे? चलो कोई नहीं, अल्लाह ताला सारे सबके साथ है, कुछ कोई बात नहीं है, जिसने खरीदना उसने खरीद कर जाना। नहीं, आप ये बताएं कि इसके बाद फिर आप घर वापस ले जाएंगे? नहीं नहीं, बेचेंगे बेचेंगे, मंडी का हिसाब तब देखेंगे, फिर उसके हिसाब से ही बेचेंगे। आप क्या समझ रहे हैं कि इसका रेट कम होगा? मुझे लगता होगा। चलिए, अच्छी बात है। चैनल सिटी 55 के वाले को बात करना चाहो? हम चैनल 55 के मशहूर हैं, हम इसके हमारे अजीजी लगते हैं। चलो अच्छा, ये अच्छा चैनल है, हम कहते हैं कि लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप देखते हैं? हाँ जी, देखता हूँ। बिल्कुल सही है। ये नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे एक अपना व्यापारी, और उनका ये कहना था कि मंडी का जो रेट है हो सकता है आने वाले दिनों में कम हो जाए, उस हिसाब से इसको सेल करके ही जाएंगे। जी नाज़रीन, आपने देखा कि जैसे कि बढ़ती हुई महंगाई में अगर देखा जाए जानवर की कीमतें वो भी आसमान को छू रही हैं। हर मुसलमान हर मोमन का यही दिल है कि इस ईद पे ईद कुर्बान पे कुर्बानी की जाए, तो क्या कहें, वो इसी इंतज़ार में है कि इस कब कीमतें कम हो, कब ये जानवर खरीदे जाएं। अपने होस्ट इमरान मुग़ल को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।